हेलो एवरीवन, मैं अर्चना सगुन मेकओवर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबको पेडीक्योर करना बताऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेल पॉलिश रिमूव करेंगे और पायल बिछिया जो भी वो पहनी है उसको निकाल देंगे। ये उनके पहले पैर ऐसे थे उनके, और हम देखिए गुनगुने पानी में क्लींजिंग मिल्क डाल के उनके पैर को डीप करवा देंगे इस तरह से। 10 मिनट के लिए हम पैर को पानी में रखने के लिए कह देंगे उनसे। आप चाहें तो इसमें नींबू, एक्टिवेटर पाउडर, खाने का सोडा भी डाल सकते हैं। पानी में और मैंने क्लींजिंग मिल्क और थोड़ा सा शैम्पू डाला है, ये देखिए। मैंने BLCC की पेडीक्योर क्रीम ली है, आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं। अब 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैंने इनके एक पैर को निकाल लिया है बाहर और उसमें नाखूनों को साफ करेंगे इस तरह से। दूसरे पैर को मैंने अभी पानी में ही रखा है, तब तक इस वाले पैर के नाखून को मैं इस तरह से टूल से साफ़ करूँगी। जो भी इसमें टूल यूज़ होंगे उन सब को गर्म पानी में डिटॉल डाल के हम साफ़ कर लेंगे और धूप में रख देंगे। किसी के पैर में यूज़ किए हुए जो भी ये सब हैं पेडीक्योर के टूल्स वगैरह सामान, हम दूसरे के पैर में नहीं यूज कर सकते क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए हमें गर्म पानी में डिटॉल डाल के उसको साफ़ कर लेना चाहिए, तब दूसरे के पैर में यूज करना चाहिए। इस तरह से अब हम नेल को कट कर लेंगे। इन्होंने अभी जल्दी में पेडीक्योर करवाया था, इसलिए इनको ज़्यादा नेल फाइलर और नेल काटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने हल्का हल्का ही किया है। इन्होंने एक बिछिया भी अपना नहीं उतारने के लिए मना कर दिया था। इस तरह से हम इसे घिस के पैरों को साफ करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से हम साफ कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से हमको ये सब साफ करना है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पेडीक्योर मशीन ना हो तो एक कोई बड़ा सा टब या कोई ले लें मीडियम आकार का, उसमें गर्म पानी करके आप उससे कर सकते हैं। अब मैंने स्क्रब लगाया है, स्क्रब को 5 से 7 मिनट तक मसाज कर सकते हैं पैर में। हम फेस की अपेक्षा हम पैरों में स्क्रब से मसाज ज़्यादा कर सकते हैं, 2-4 मिनट। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको स्क्रबिंग करेंगे और अच्छे से मसाज देंगे। इससे पैरों को काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, थकान भी दूर होती है और पैर सुंदर भी बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हम आराम आराम से मसाज करेंगे।
7 मिनट हो चुके हैं, अब हम स्क्रब को साफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो ना करें साफ, इसके ऊपर ही मसाज क्रीम लगा दें, लेकिन मैंने साफ़ कर दिया है। अब हम मसाज क्रीम लगाएंगे। मसाज क्रीम 10 मिनट तक हम मसाज करेंगे अच्छे से। आप वीडियो में ध्यान से देखिए, मसाज के स्टेप आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए मसाज मैंने कर दी है 10 से 12 मिनट तक। अब हम इसमें मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। इसमें जो मॉइस्चराइज़र मिला है हमें स्प्रे टाइप का है, लेकिन फिर भी मैं उसे हाथ में लेके लगाऊंगी। अभी आप देखिएगा इतना सुंदर ग्लो आया है, आपको मैं आफ्टर और बिफोर का फ़ोटो भी दिखाऊंगी। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप नेल पॉलिश लगा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा। मैंने दूसरे पैर की वीडियो नहीं बताई है, दिखाई है आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। मैंने इसमें भी पेडिक्योर अच्छे से कर दिया है। ये देखिए दोनों पैर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसमें नेल पॉलिश लगा देंगे। प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए कितना प्यारा ग्लो आया है, कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।